नमस्ते साथियों, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और सरकार के पास कोई चारा भी नहीं है। उसे लॉकडाउन पूरी तरह खोलना पड़ेगा, नहीं तो न जाने कितने लोग भूख से ही मर जाएंगे, सारे व्यापार तबाह हो जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन खुलने का अर्थ ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना तो अपने चरम पे अभी आने वाला है। जी हाँ, अगले कुछ महीनों में कोरोना का प्रकोप सबसे चरम सीमा पर होगा। तो अब हमारे पास रास्ता क्या बचा है? रास्ता है कोरोना से युद्ध। जी हाँ, हमें अब कोरोना से युद्ध लड़ना पड़ेगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। हमें हर वस्तु, हर इंसान को शक की निगाहों से देखना पड़ेगा, कहीं इसे कोरोना तो नहीं है। जी हाँ, उसमें मैं भी हो सकता हूँ और उसमें आप भी हो सकते हैं। और इस कोरोना से लड़ने के लिए मैं आपको 5 हथियार बताऊंगा, और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक वो हथियार बताऊंगा जो अगर आपने डेवलप कर लिया तो कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। पहला हथियार, एक्सरसाइज। अब किसी भी सूरत में आपको अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा। कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वेट उठाइए, लेकिन कीजिए। अक्षय कुमार कहते हैं, अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो आपको मर जाना चाहिए। यही एक हथियार है जो आपको कोरोना से लड़ने में मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। दूसरा हथियार, हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक उगता हुआ सूरज नहीं देखा है। वो रात को बहुत देर से सोते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते हैं। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक हमारा शरीर खुद की रिपेयर करता है, खुद की सर्विसिंग करता है, और ये सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है जिसे हम लोगों ने तहस नहस कर दिया है। WHO का दावा है कि अगर हम 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो हमारा शरीर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से लड़ने की क्षमता 50% तक डेवलप कर लेता है। सुबह जल्दी उठेंगे, खुद को प्रोडक्टिव फील करेंगे, आपकी मेमोरी शार्प होगी, औरों से बेटर फील करेंगे और आप सुंदर भी दिखेंगे। तीसरा हथियार, शुगर और सॉल्ट हमें छोड़ना पड़ेगा। चीनी और नमक से हमारा मोह हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ इनके नुकसान के बारे में। चीनी मोटापा बढ़ाती है, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स चीनी की वजह से होती हैं, स्किन खराब करती है, आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं, दांतों को कमजोर करती है, नमक बीपी बढ़ाता है, किडनी फंक्शन कमजोर करता है, आपके शरीर में पानी होल्ड करता है, आप औरों से मोटे दिखते हैं। अगर फिर भी इनसे मोह अपना ना त्याग पाए तो चीनी के जगह मिश्री, गुड़, शक्कर, नारियल की शक्कर, इनका सेवन करें, लेकिन ये भी बहुत कम मात्रा में। और नमक की जगह आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा हथियार, इस मौसम के फल और हरी सब्जियां, इनका सेवन आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा, इसकी हमें बहुत जरूरत है। लेकिन जब भी आप फल खरीदने जाएं या कोई विक्रेता आपके घर के आसपास आए तो ध्यान रखें, उनसे हमें कांटेक्ट बहुत कम से कम रखना है। आप दूर खड़े होकर उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये फल चाहिए, मुझे ये सब्जी चाहिए, और अपने साथ में एक बड़ा थैला रखें जिसके अंदर उसको बोलें कि ये सारा सामान आप मेरे थैले में डाल दें। उसके बाद अपने घर के मेन गेट पर आपके एक टब होना चाहिए जिसके अंदर पानी और उसके अंदर कुछ मात्रा में एंटीसेप्टिक आप डालते हैं, और उसके अंदर उन फल और सब्जियों को आप धो लें। मगर उसके अंदर धोने के बाद भी एक बार साफ पानी से अवश्य धोएं। पांचवा हथियार, टीवी देखना छोड़ दीजिए। जी, मैंने बिल्कुल सही कहा, टीवी देखना छोड़ दीजिए। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है टीवी के नुकसान, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए।
टीवी मोटापा बढ़ाता है, टीवी के अंदर 90% झूठ होता है, ये आपके अंदर नेगेटिविटी भरता है, स्लीप डिसऑर्डर, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, एंटी सोशल है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप YouTube से ले सकते हैं, यहां टाइम वेस्ट करने की बजाय आप बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं लिंक में कुछ बुक्स के नाम आपको बताऊंगा जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा कारण ये नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में भर रहा है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो पढ़ लीजिए। जिस चीज के बारे में हम जितना ज्यादा सोचते हैं वो चीज हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और टीवी पे है क्या सारा दिन, कोरोना कोरोना कोरोना। जितना आप कोरोना कोरोना करेंगे उतना आप कोरोना को अट्रैक्ट करेंगे, ये सच्चाई है। टीवी देखना बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस टाइम को किसी अच्छे काम में लगाइए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपने दोस्तों से फोन पर बात कीजिए, मगर टीवी मत देखिए। और अब आपको उस हथियार के बारे में बताता हूं जो अगर आपने डेवलप कर लिया तो कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा, और वो हथियार है आपका इम्यून सिस्टम। आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और कहीं से भी जानकारी इकट्ठी कीजिए, गूगल, यूट्यूब, बुक्स, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लीजिए, मगर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। यही एकमात्र हथियार है जो कोरोना और आपके बीच में खड़ा है। अगर आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही और बातें आपको बताता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।